सही सुना ना, तुम योर ओन चैनल। और आज बारी है सेकंड पोम की, और ये पोम आपको यकीन दिला देगी कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है जो आपको दर्द देगा, तकलीफ देगा, और आप चुपचाप उसे सिर्फ सहते रहेंगे। और यकीन जानिए, आपको और मुझे इस मॉडर्न सोसाइटी की वजह से बहुत सारी फीलिंग्स को छुपाना पड़ता है। एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी फीलिंग्स को छुपाते नहीं है, जो होता है सच बताते हैं, सचमुच जैसा महसूस करते हैं ओपनली सबके सामने करते हैं। जानते हो जगह क्या है? हाँ, वो जगह है हॉस्पिटल। तो ये पोम आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक टचिंग पोम है और करंट सिनेरियो की, करंट सिचुएशंस की पोम है, जिसमें पेशेंट्स की फीलिंग, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर किया गया है। और टॉनी होगलैंड खुद भी, यस, खुद भी एक सन ऑफ अ डॉक्टर रहे हैं, इनके फादर आर्मी डॉक्टर रहे हैं, और ये इनकी लास्ट पोम है। इनकी पोम को इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ने पब्लिश करवाया था। बुक का नाम था टर्न अप द ओशंस, और इसमें 46 पोम थी, और ये एक बहुत ही टचिंग पोम है। आपको यकीन दिला देगी कि हॉस्पिटल में कितनी निर्दयता होती है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को केयरलेसली उसके रिलेटिव्स, उसके फैमिली मैन छोड़ जाते हैं, और अंत उनका वहां पर बहुत तकलीफ दुखदायी होता है। तो आइए एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को आपको बताऊंगा, और आप इसे महसूस कर पाएंगे। यस, यू विल फील ईच एंड एवरी वर्ड इफ यू हैव एवर गॉन टू अ हॉस्पिटल। व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल, वैसे ये एक सटायरिकल पोएम है, और बेसिकली हमारी सोसाइटी में जो हॉस्पिटल्स है, वैसे भी वो किसी को पसंद नहीं है। मुझे यकीन है कि आपको हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वहां एक अजीब सी स्मेल होती है, एक रोने की आवाज होती है, दुख तकलीफ नेगेटिविटी लगती है, क्या कहते हैं, और खास करके कोरोना के बाद तो हॉस्पिटल से एक डर सा लग गया है। पर यहां पर जो पोएट है टोनी होगलैंड, वो कहते हैं आई लाइक हॉस्पिटल। तो वो रीजंस बताएंगे कि वो हॉस्पिटल क्यों लाइक करते हैं, उनका खुद का एक्सपीरियंस बताएंगे। याद रखिएगा, ये एक रिसेंट पोएम है, 2022 में पब्लिश की गई पोएम है, तो बहुत रिसेंट है। तो आप महसूस करिए, ये हॉस्पिटल इन अमेरिका की क्या सिचुएशंस हैं, बट ये पूरे वर्ल्ड का सेम सिचुएशन। बिकॉज इट इज ऑल राइट टू बी इन अ बैड मूड देयर। तो हॉस्पिटल क्यों पसंद है पोएट को? इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल में आप अपने मूड को, आपका जैसा मन, आपका जैसा मूड है, वैसे आप रहिए। आपको वहां पर सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने आप को छुपाना नहीं है। अपने ट्रू इमोशंस को आपको वहां पर क्या करना है, डॉक्टर्स के सामने रख देना है। वैसे भी आप सुने होंगे कि डॉक्टर से और वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, सुना होगा ना। वैसे ही आपको अपने इमोशंस, अगर आपके पेट में दर्द है तो डॉक्टर को ये नहीं कह सकते कि सर में दर्द है, वो दवा सर में दर्द की दे देगा तुमको। तो इसीलिए आपको जैसे इमोशंस है, जैसी आपकी फीलिंग्स है, अगर बुरा आपका मन करता है, तकलीफ है आपको, तो बता दीजिए डॉक्टर को, और वो भी सच बताइए। तो दैट इज वाई आई लाइक द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में लोग जैसे मूड में होते हैं, अगर बुरा मूड है तो वहां पर बुरा मूड रहने दीजिए, इट इज राइट। वहां ऐसा मूड होना कोई गलत बात नहीं है, वहां कुछ छुपाना नहीं है, कंसील नहीं करना है, दिखावे की हंसी नहीं जीनी है, वहां जो है जैसा है सच बताइए। क्लाउचिंग, अब ये एक्सपीरियंसेस हैं जब आप हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, व्हेन यू मूव थ्रू द हॉस्पिटल कैसा महसूस होता है, ये देखिए इन तीन लाइंस में। क्लाउचिंग थ्रू द अंडरग्राउंड गैरेज, तो जिस पैसेज से जहां पार्किंग लॉट होता है, जब वहां से ही आप जाने लगते हैं, तो आप स्लाउच करने लगते हैं, स्लो एंड बेंट मूवमेंट आप करने लगता है, आप झुक जाते हैं, यू फील समथिंग बर्डन्ड ऑन यू, आप स्लो डाउन हो जाते हैं जैसे ही आप हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो गैरेज से जब आप हॉस्पिटल के ऊपर जा रहे होते हैं, राइडिंग वर्डलेसली ऑन द एलिवेटर्स विद अदर कस्टमर्स, देख लीजिए हॉस्पिटल में पेशेंट्स को कस्टमर्स माना जा रहा है। जस्ट इमेजिन आज हॉस्पिटल का कल्चर क्या है, पेशेंट कस्टमर है, क्योंकि उनसे डॉक्टर्स पैसा, हॉस्पिटल पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब पोएट टॉनी होगलैंड जब मूव करते हैं, तो एकदम खामोशी से सारे लोग मूव कर रहे होते हैं, वो अकेले नहीं है, और भी लोग हैं, पेशेंट्स हैं, और भी विजिटर्स हैं, पर सबके चेहरों पे खामोशी है, देयर इज क्वाइटनेस जब वो एलिवेटर से लिफ्ट से मूव करते हैं, और स्टेयरिंग एट द क्लोज्ड बेज डोर लाइक अ प्रिजन वॉल। तो हॉस्पिटल्स के जो डोर है, वो उनका जो कलर है वो लाइट ब्राउनिश कलर है, हाँ, ग्रेश ब्राउन कलर है, और वो कलर रिफ्लेक्ट करता है नेगेटिविटी को, अर्थात एक ऐसा इमेज क्रिएट करता है जैसे मानो कि उन्हें कैद कर दिया गया है जेल की दीवार पर, क्योंकि कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं है। हाँ, एक प्लेन सा वॉल है जिसमें लाइट ग्रेश ब्राउन कलर कर दिया गया है, ऐसी फिनिश की वॉल है, और आप बस लगातार उसको क्या करते रहते हैं, घूरते रहते हैं अपोजिट वॉल को, ऐसा लगता है मानो कि इन दीवारों पर आपको कैद कर लिया। दिस इज व्हाट अ पोएट एक्सपीरियंसेस। आइए, क्यों उन्हें हॉस्पिटल पसंद है, अब और रीजंस जानते हैं। आई लाइक द हॉस्पिटल फॉर द वे इट ग्रांट्स परमिशन फॉर पैथोस। हॉस्पिटल में आपको पैथोस करने का, पैथो क्या होता है, समथिंग विच अराउज फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ पिटी, जो डीप सेंटिमेंट्स अराउज करे उसे कहते हैं क्या, पैथोस। तो हॉस्पिटल में आपको देखकर एक डीप इमोशन, डीप फीलिंग को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। कुछ छुपाना नहीं है, जो सोसाइटी की रहने के हिसाब से, हाँ, समाज में रहने के हिसाब से हम कई बातें छुपा देते हैं और अपनी फीलिंग्स को सबके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, पर हॉस्पिटल ऐसी जगह नहीं है। आइए कुछ इंस्टेंस से प्रूव करना चाहते हैं, कुछ एग्जांपल से प्रूव करना चाहते हैं कि कैसे पेशेंट्स को अपने पैथोस को प्रेजेंट करना होता है, अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को प्रेजेंट करना होता है। एक एग्जांपल देखिए, बड़ा बड़ा टचिंग सा एग्जांपल है। एक माँ है, द मदर विद कैंसर, जिसे कैंसर हो गया है, एक माँ जिसे कैंसर हो गया है, डिसाइड कर रही है कि कैसे मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को बताऊं कि मुझे कैंसर है। You can feel that pathos, we feel that emotion. अच्छा, दूसरा example, ध्यान सुनिएगा। The bald girl, एक girl जिसके सर पे बाल नहीं है, क्या लगता है? नहीं, उसे भी cancer है। वो लड़की जिसके सर पे बाल नहीं है, वह देख रही है अपने शंट को। शंट एक तरह का narrow tube होता है, which enters into the veins. Body के veins में, नसों में डाल दिया गया है, और
इंस्टॉल्ड अबाउ हर मिसिंग ब्रेस्ट, तो इस लड़की का सीना भी नहीं है, ब्रेस्ट भी नहीं है और हेयर भी नहीं है, बिकॉज शी इज अंडर गोइंग अ कैंसर ट्रीटमेंट। और उस शर्ट को वो देख रही है, जस्ट इमेजिन हाउ पेनफुल इट इज फॉर हर टू सी हर ओन बॉडी, अपने ही शरीर को देखकर उसे कितना दुख हो रहा होगा। तीसरा सीन देखिए, द क्रोन इन हर पैजामास। क्रोन मतलब होता है ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, एक ओल्ड वुमेन क्या पहनी हुई है, हॉस्पिटल में है, पैजामा मेज में है, ऑब्वियस बात है लाइट पैंट्स होते हैं रात को जो हम यूजुअली पहनते हैं, ढीले ढीले होते हैं, पैजामास पहनी हुई है विथ एन आई वी पोल। सही, आई वी क्या होता है, इंट्रावेनस पोल। ये कैसे पोल होते हैं, आई वी पोल्स वो होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप देखेंगे एक ऐसा पोल जिसको ड्रैग भी किया जा सकता है, पेशेंट अपने साथ लेके चल सकता है, इस पोल में दवाएं हैंग की गई होती हैं, हाँ मेडिसिन के लिए पाउच के हैंग करने के लिए इसमें जगह बनी होती है, इसे आईवी पोल कहते हैं। हाँ, आपने जरूर देखा होगा पेशेंट के बेड के साइड में अक्सर लगे होते हैं जिससे दवाएं लटक करके पेशेंट की बॉडी में जा रही होती है, तो एक ऐसा पोल होता है ठीक है जिसमें दवाएं मेडिसिन और फ्लूइड्स भरे जा सकते हैं बॉडी में, ऐसा पोल होता है। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक। यहां तक तो उसने बताया पोएट ने कि क्या क्या उसे अच्छा लगता है, पर कुछ ऐसा भी है जो उसे अच्छा नहीं भी लगता है, और वो है वहां की स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक एक केमिकल होता है जिसको स्पर्श में छिड़का जाता है ताकि जर्म्स मर जाएं। सर एंटीसेप्टिक क्यों चाहिए, ये पूछ रहे हो, अरे भाई हॉस्पिटल में जर्म्स का डर होता है ना, तो फिनाइल नहीं लगवाते हैं हमारे घर में भी, जैसे फिनाइल याद होगा ना, तो वैसे ही एंटीसेप्टिक छिड़का जाता है, और वैसे टू स्ट्रॉन्ग छिड़का जाता है हॉस्पिटल्स में, तो ये उसको महक जो है उसकी जो बदबू है उसको अच्छी नहीं लगती है। और दूसरा चीज क्या नहीं अच्छा लगता हॉस्पिटल का, द एयर कंडीशनिंग सेट ऑन हाई, मतलब बहुत ठंडा कर देने वाला एयर कंडीशन, मतलब एयर कंडीशन वहां के बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं हॉस्पिटल के एयर कंडीशन, ये भी अच्छी बात नहीं है। तीसरा, द फ्रेश फ्लावर टॉस्ड इनटू द वेस्ट बास्केट। ये फ्रेश फ्लावर्स कहां से आए हैं, देखिए जो लोग पेशेंट से मिलने आते हैं वो फ्लावर्स लेके आते हैं एक पॉजिटिविटी के लिए, एक अच्छे मूड के लिए, है ना, वो पेशेंट्स को देते हैं, पर जानते हैं वो फ्लावर्स कुछ ही पलों के बाद मुरझा जाते हैं और उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, तो ये बात उन्हें बहुत तकलीफ देती है। तो तीन चीजें उसे पसंद नहीं है, एक स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक, ठंडा करने वाले, बहुत ज्यादा ठंडा करने वाले एसी, और फ्लावर्स को फेंक दिया जाना वेस्ट बास्केट में, तीन चीजें अच्छी लगती है। बट अब क्या अच्छा लगता है, बट आई लाइक द वे सम पीपल ऑन देयर प्लास्टिक चेयर्स। कुछ लोग, अब देखिए वापस आ गया बाय, तो उसको हॉस्पिटल क्यों पसंद नहीं है, तो हॉस्पिटल में कुछ लोग अपने प्लास्टिक चेयर्स में बैठे होते हैं और ये पेशेंट्स होते हैं और वो नोटबुक लेके बैठे होते हैं, दे हैव टेकन सम नोटबुक्स, वो क्या नोट कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, एंड इन्वेंट अ कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम। यहां बैठे बैठे खाली होते हैं, दे आर फ्री, दे डोंट हैव एनीथिंग, तो यहां कुछ नए तरीके से वैल्यू सिस्टम निकालते हैं अपने लाइफ पर रिफ्लेक्ट करने के लिए, टू टैली अप द डेज ऑन द अर्थ, ये देखने के लिए कि उन्होंने जितने दिन जीवन धरती पे जिया, द नंबर ऑफ डेज दे हैव लिव्ड इन लाइफ, उसको बैठ के वो कैलकुलेट करते हैं, उसका एक तरह का स्कोर बनाते हैं कि कैसा मेरे दिन रहे, मेरे जीवन के दिन कैसे बीते अब तक, ये वो लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, बिकॉज दे आर फ्री, दे हैव नथिंग, दे हैव नो वन टू टेक केयर ऑफ देम, सो आइडली क्या करें, खाली बैठे क्या करें, सो दे डू समथिंग राइटिंग, नोटबुक में लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये भी देखिएगा, द कॉलम ऑन द लेफ्ट दैट सेज टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल। तो वो लोग अपनी नोटबुक में लेफ्ट के साइड में लिख देते हैं कि कब कब वे लोग फुलिशली एक्ट किए, जबकि राइट साइड में क्या लिख देते हैं, कब कब वो लोग एक अच्छे व्यक्ति की तरफ, एक सेंट की तरफ बिहेव किए। सो दे थिंक अपॉन, दे पॉन्डर अपॉन द पास्ट एक्ट दे हैव डन, एक्ट ऑफ गुडनेस एंड एक्ट ऑफ फुलिशनेस, ये दोनों क्या करते हैं वो लिखते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों करते हैं इस समय, मैंने बताया क्योंकि इस समय उनको अपने ऊपर सोचने का मौका मिलता है, दे गेट टाइम टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स, और वो उसको वैल्यू करते हैं, उसका स्कोरिंग करते हैं, कहां मैं अच्छा था, कहां मैं बुरा था, मैंने जीवन में क्या अच्छे काम किए, कहां बुरे काम किए। आई अब एक और ये पैसेज पढ़ेंगे जहां पर आपको समझ में आएगा कि उसको हॉस्पिटल क्यों पसंद है, थोड़ा गहरी लाइन है पर डीप मीनिंग वाली लाइन, ध्यान से समझिएगा। आई लाइक द लॉन्ग प्रेरी ऑफ द वेटिंग। यहां पर पोएट कहना चाहते हैं कि जैसे प्रेरीज होते हैं, प्रेरीज ग्रासलैंड्स होते हैं साइबेरिया में, हाँ दूर दूर तक ग्रासलैंड्स दिखाई देते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो नेवर एंडिंग है, तो वैसे ही पेशेंट्स जो होते हैं वो वेट करते हैं और उनकी वेट नेवर एंडिंग होती है, लंबे समय तक वो वेट, किसका वेट करते हैं पेशेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने लव्ड वंस का, कि कोई तो मुझसे मिलने आए, बट जस्ट सी कितने लोग बुरे हैं, हॉस्पिटल में बैठाकर वे भूल जाते हैं, तो द पीपल आर केयरलेस, द एपैथी टुवर्ड्स द पेशेंट्स, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने अपने रिश्तेदारों का जो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो इसकी वेटिंग, वो जो वेटिंग है उसको लाइक क्यों कर रहे हैं, ये तो नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, नहीं नहीं इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, इसके अंदर पॉजिटिविटी ये है कि जब वो वेट करते रहते हैं पेशेंट्स, और वेट करते 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 उन्हें खुद से, खुद पर सोचने का मौका मिलता है। द फोर्थ इंटीमेसी ऑफ द सेल्फ विद द सेल्फ। इंटीमेसी मतलब होता है बहुत नजदीक आ जाना, कम क्लोज टू ईच अदर, क्या करना, कम क्लोज कर देना, एकदम नजदीक आ जाना, तो यहां पर उनको इंट्रोस्पेक्ट करने का, थिंक अबाउट देमसेल्फ करने का, क्वेश्चन अबाउट देयर ओन लाइफ करने का मौका मिलता है। क्यों, क्योंकि दे आर ऑल अलोन एंड नोबडी, नाइदर देयर फैमिली मेंबर नॉर एनी विजिटर आर कमिंग टू मीट देम, एंड दे हैव बीन वेटिंग एज इफ दे आर इन अ प्रेरी। दूर तक जैसे प्रेरी फैले रहते हैं, वैसे लंबे समय तक उनको इंतजार करना पड़ता है। अब एक पेशेंट को, एक सिक मैन को कैसा महसूस होता है, एक सिक मैन को महसूस होता है कि उस प्रेरी में एक बड़े लंबे दूरी तक फैले ग्रासलैंड में वो एकमात्र ट्री है, उसे लगता है कि ही इज अ सिक मैन स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ अ फील्ड, मानो कि वो एक ट्री है, अ ट्री, अ ट्री वंडरिंग व्हाट हैज हैपेंड टू द फॉरेस्ट। और इस समय वो सिक मैन सोचता है कि जिस तरह से ये पेड़, ये पेड़ जंगलों से दूर हो गया है,
तो सिख मैन अपने आप को स्त्री की तरह कंसिडर करता है कि आई एम बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम द सिविलाइज्ड सोसाइटी, आई हैव बीन सेग्रीगेटेड, आई हैव बीन लेफ्ट अलोन बाय माय फेलो पीपल। तो वैसा महसूस करता है एक एक सिख मैन, एक ऐसा पेड़ जो लगता है जंगल से दूर कर दिया गया है, एक प्रहरी के बीच में, एक घास के ग्रासलैंड के बीच में एक एकमात्र पेड़, ऐसा महसूस करता है। इसीलिए क्योंकि वहां पेशेंट्स को खुद पे सोचने का, अपने लाइफ के बारे में सोचने का एक मौका मिलता है। दे हैव टू रिफ्लेक्ट बैक अपॉन देमसेल्व्स, ये मौका मिलता है, इसलिए उसे वो हॉस्पिटल पसंद है। देखिए सरकास्टिक है पोएट, यहाँ पे पोएट सोसाइटी के नॉर्म्स पे मजाक उड़ा रहा है कि हाउ बैड द सोसाइटी इज, हाउ अनकेयरिंग इज द सोसाइटी अबाउट द पेशेंट्स। एंड वंस आई सॉ अ मैन इन अ लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन, आपने यूजुअली देखा होगा जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में होते हैं, जो बेड में अक्सर होते हैं, उनके ऊपर एक लाइट ग्रीन कलर का एक गाउन होता है, आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स होते हैं, ध्यान दिया होगा। तो वैसे ही एक पेशेंट को देखा हंच्ड ओवर इन अ चेयर, एक चेयर में वो बेंड तो है, क्रंच है, एक पेशेंट है, देखिए क्या हुआ उसके साथ। अ मैन हु हैज नॉट येलिंग एट डॉक्टर्स, अब ये मैन डॉक्टर्स पे येल नहीं कर रहा है, डॉक्टर्स पे नाराज नहीं हो रहा है, शाउट येलिंग मतलब शाउटिंग होता है, और प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग, और न तो डॉक्टर को दिखा रहा है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं डरता नहीं हूं, हाँ बल्कि वो एक सच्चे इमोशंस प्रेजेंट करेगा। देखिए क्या करता है, और मेकिंग अ मर्मर्ड फोन कॉल टू हिज वाइफ, न तो अपनी वाइफ को वो एक फॉल्स मर्मर्ड मतलब होता है इन अ लो टोन, इन अ लो वॉइस, एक लो वॉइस में अपनी वाइफ को झूठा आश्वासन नहीं देता है कि ऑल इज वेल, नहीं कहता है वो, क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में आपको अपने सच्चे इमोशंस प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, यू गेट अ चांस टू टेल ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू फील फ्रॉम इनसाइड यू आर आउटसाइड आल्सो द सेम। तो यहां पर वो पेशेंट न चिल्लाता है, न दिखावा करता है कि वो बहादुर है, न तो वो झूठा फोन कॉल करता है, लो वॉइस में अपनी वाइफ से बात करता है, बल्कि वो सॉब करता है, सॉब करना मतलब होता है सिसकियां लेना, जब रोते हैं और रोते समय लंबी लंबी हम सांसें लेते हैं और सिसकी जिसे हम कहते हैं ना, रियल क्राइम जिसे कहते हैं, तो वो सॉबिंग कर रहा है और उसे इस पर शर्म भी नहीं आ रही, ही डज नॉट फील अशेम्ड, क्योंकि मैंने कहा हॉस्पिटल एक ऐसी प्लेस है जहां आप अपने रियल इमोशंस को क्या करते हैं, शो कर सकते हैं, और उसमें शर्म भी नहीं आती है। और ये सॉबिंग आ कहां से रही है, ये क्राइंग आ कहां से रही है, इट इज द पंपिंग, पंपिंग मतलब होता है थ्रोइंग आउट, इट इज थ्रोइंग आउट ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेल्फ, अपने अंतरस मन से, अपने अंतरात्मा से, फ्रॉम विद इन द बॉडी, डेप्थ ऑफ द सोल ऑफ द बॉडी ही इज क्राइंग। क्यों क्राई कर रहा है पता है आपको, क्योंकि ही हैज कम टू नो दैट ही कैन नॉट बी सेव्ड, अब वो एक टर्मिनेटिंग मतलब एक खत्म होने वाला आदमी है, बहुत जल्दी डॉक्टर्स ने कह दिया है ही इज गोइंग टू डाई। तो सोच लीजिए एक आदमी जो मरने वाला है उसे तो रोना आएगा ही आएगा, और वो अपने इस इमोशंस को छुपाता नहीं है। देखिए द ओवरफ्लोइंग बिल्ज ऑफ द हेल्पलेसनेस एंड रेज, इस समय ये बिल्ज क्या होता है, बिल्ज एक्चुअली बॉटम ऑफ द हल ऑफ द शिप होता है, शिप का जो हल होता है ना उसका जो बॉटम होता है जहां पे वेस्ट वाटर कलेक्ट हो जाता है, यहां पर वैसे शिप से मतलब नहीं, बेसिकली यहां पर बॉडी से मतलब है। वो पेशेंट अपने इनर पार्ट ऑफ द बॉडी से, इनर मोस्ट हार्ट से क्राई कर रहा है, वो उसका ओवरफ्लोइंग इमोशंस है जो बाहर निकल रहा है, वो जो उसके आंसू हैं वो उसके रियल आंसू हैं जो अंतरात्मा से झलक गए हैं, उसके हार्ट के इनर मोस्ट कोर से बाहर आ रहे हैं, इसलिए उसे दिल जुबड़ से इस्तेमाल कर रहा है, कंपेयर कर रहा है बॉटम ऑफ द शिप वेयर सम वाटर एंड फ्लूइड इज कलेक्टेड। तो वैसे ही उसके दिल से ये रोना, ये सच्चा रोना है जो वो महसूस कर रहा है, शायद आखिरी क्राई होगा इसका। अ मैन नो लॉन्गर एक्सपेक्टिंग टू बी सेव्ड, तो ये आदमी कौन है जो रो रहा है, जिसे उम्मीद है कि अब मैं ना उम्मीद हूं, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर्स ने इसे कह दिया है कि अब आप बचेंगे नहीं। आगे देखते हैं, बट इफ यू लुक्ड यू कुड सी दैट ही वाज होल्डिंग हिज फोन एंड इन सिंपैथी, यहां पर अगेन आयरनी है, यहां पर अगेन सरकाज़म है, क्या सरकाज़म है, यहां पर पोएट हमें कह रहे हैं, यू हम लोग को डायरेक्टली पॉइंट कर रहे हैं, रीडर्स को पॉइंट कर रहे हैं कि अगर आपने ऐसे पेशेंट को कभी देखा हो हॉस्पिटल में, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर हॉस्पिटल आप गए होंगे तो एक डरावना सा मंजर होगा जहां चारों तरफ दुख होगा, तकलीफें होंगी, लोगों के पेन्स होंगे और आप उसे महसूस कर रहे होंगे, पर वो पेशेंट अपने ही हाथ पे अपना हाथ दिया हुआ है, जस्ट सी देयर इज नो वन टू होल्ड द हैंड, कोई उसका हाथ संभालने के लिए नहीं है, कोई उसको कंफर्ट करने के लिए नहीं है, ढांढस देने के लिए नहीं है कि मैं हूं ना, ही इज ऑल अलोन। सी व्हाट इज हैपनिंग इन द मॉडर्न सोसाइटी, हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम अपनों को भी छोड़ चले हैं, त्याग चले हैं, मरने के लिए छोड़ दिया है हॉस्पिटलों में, तो ये है इसका, ये है आयरनी इसका, ठीक है। बट इफ यू लुक्ड यू कुड सी दैट ही वाज होल्डिंग हिज ओन हैंड इन सिंपैथी, तो उसकी दया करने के लिए कोई और नहीं है बल्कि वो अपना हाथ होल्ड करता है, ही हैज नोबडी टू हेल्प हिम, ही हैज हिज ओन सेल्फ टू हेल्प, अपनी ही आपको वो कंफर्ट करता है क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार नहीं आया है, कोई विजिटर नहीं आया है उसको कंफर्ट करने के लिए, वो जो डेड मैन जो मरने वाला आदमी था। आगे लिसनिंग टू एवरी सिंगल वर्ड, और वो जो भी अटर कर रहा है, वो जो भी बोल रहा है, उसको सुन कौन रहा है, वो खुद, एंड ही वाज टेलिंग हिमसेल्फ एवरीथिंग, तो हर वो शब्द जो उसने कहे वो सब कुछ उसने खुद ही सुने ताकि वो अपने आप को कंफर्ट कर सके। तो आई एम वेरी श्योर ये एक टचिंग पोम है, और आपने अगर कभी हॉस्पिटल आप गए हैं तो आपने महसूस भी किया होगा, और नहीं गए तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एक बार हॉस्पिटल चले जाइए, आपको रियल रियल पेन, रियल टच महसूस होगा कि हाउ बिटर इज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स। और क्या आपने वो गब्बर वाली फिल्म देखी थी, गब्बर इज बैक करके, जिसमें अक्षय कुमार जो है वो हॉस्पिटल्स पे पता लगाते हैं, जहां पर हॉस्पिटल्स भी पेशेंट्स को जब तक कि उनकी डेड हो चुकी होती है और फिर भी उसको रखे रखते हैं ताकि और पैसा एक्सट्रैक्ट कर सके। हाँ वो हकीकत है,
वो सच्चाई आज के हॉस्पिटल की। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे हॉस्पिटल ऐसा कर रहे हैं, बट द ट्रूथ इज कि डॉक्टर्स आर नो मोर गॉड ऑन द अर्थ, दे आर बिजनेसमैन, दे आर एक्सट्रैक्टिंग एवरी टाइम द मनी फ्रॉम द पेशेंट्स। तो ये टच कि लोग क्या है वहां पेशेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, हॉस्पिटल्स में भी उनकी रियल केयर नहीं हो रही है, और द पेशेंट्स आर वेटिंग, दे आर वेटिंग फॉर देयर लव्ड वंस टू सी देम, टू विश देम, और वो वहां नहीं मिल रहा है। जानते हैं बहुत सारी चीजें प्यार से भी क्या हो जाती है, जीत ली जाती है। कई दर्द ऐसे भी होते हैं जो आप सिर्फ क्या करते हैं, किसी के कंधे पे हाथ रख दीजिए, देखिए उसका दर्द यूं चला जाता है। सो आई एम वेरी श्योर ये पोम समझ में आ गई होगी, और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे पोम्स को सुनिए, देखिए। अगर आपको कोई पोम नहीं समझ में आई है, पोम का नाम लिखिए, आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी कॉमर्स या स्टार कॉमर्स। हाँ, STAR, स्टार कॉमर्स। बाय, गॉड ब्लेस यू।